आज हम एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इसको हमने दो कलर से बनाया हुआ है। ये मैंने साड़ी से बनाया, आपके पास चुन्नी हो या कोई कपड़ा हो, ऊन हो, आप उससे ही बना सकते हो। ये देखिए, आप ये जो फ्लावर है ये अलग अलग कलर से ही बना सकते हो। तो हमने एक कलर, ये ग्रीन कलर से, हरे कलर से पत्ती बनाई है, और ये देखिए मस्टर्ड सा कलर है जिससे हमने ये फूल बनाया हुआ है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने 20 फंदे से बनाया हुआ है। फंदे दो के जोड़े से इसमें डालने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स इसमें भी कि जैसे हमने इसमें 20 फंदे से बनाया, तो 10 फंदे, ये 20 फंदे में तो पूरी पत्ती बनती है। ये पत्ती को बनाने के लिए हम पूरे 20 फंदे से हमने बनाया है, फिर ये 10 फंदे से इसको बनाया हुआ है। तो इस वजह से आधे आधे फंदे से बनाते हैं। अगर आप दो के जोड़े से फंदे डालो तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इसमें हम 22 फंदे डालते हैं तो 11 11 फंदे नहीं होंगे। तो ये आप इसमें 10 फंदे रख लो और इसमें इसको 12 फंदे रख के बना सकते हो। तो इसमें दो के जोड़े से फंदे डालने हैं। तो देखिए मैंने इसको 20 फंदे से बनाया हुआ है। अब ये अगर दोनों जोड़े से फंदे नहीं हो पाते हैं, कम ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये 30 फंदे से बना करके बता रही हूँ कि आपको इसको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर 20 फंदा है तो इसमें दोनों में ही बराबर बराबर फंदे हो जाएंगे। अगर 30 फंदा है तो दोनों में बराबर बराबर फंदे नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं आपको 30 फंदे से बना करके बताऊँगी। तो ये देखिए, हमने साड़ी से एक एक इंच की पट्टी निकाल रखी है। मैंने ये देखिए 6 नंबर की सिलाई ली है। 6 नंबर की सिलाई ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। आप दो के जोड़े से जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो, 40 50 60 जितने फंदे डाल करके आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। देखिए एक नॉट लगा लिया। अब इस तरह से क्रॉस कराते हुए, देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदे डालना है। इस तरह से फंदा डालना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए, तो अब ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह से हम इसमें 30 फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें 30 फंदा डाल दिया है। अब पूरी सिलाई हम उल्टे उल्टे की बनाएंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बना करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, नहीं तो इसमें बीच में गैप आ जाएगा। ये देखिए फंदा तो और भी कई तरीके से डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इस वजह से बताती हूँ कि जिसको फंदा डालना नहीं आता है वो भी बहुत आसानी से इस तरह से फंदा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको फंदा डालना आता है तो आपको जैसे फंदा डालना आता है आप उस तरह से फंदे डाल सकते हो। तो इसी तरह से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी की बना लेते हैं। ये देखिए हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। ये देखिए पूरी सिलाई हमने बना ली है उल्टे उल्टे की। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। अब ये इसका सीधा साइड है, ये देखिए ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इसमें दोनों कलर एक साथ नहीं बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि पहले पत्ती बनाते हैं फिर फूल बनाते हैं, तो इस वजह से दोनों कलर एक साथ नहीं चलता है, तो इसको बनाना और भी आसान हो जाता है। को ये देखिए, अब यहाँ से हम दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। हमें अब इस जो पत्ती बनाना है इसमें क्या करना है, दो फंदा इस साइड से और दो फंदा इस साइड से, दोनों साइड से हमें दो दो फंदे छोड़ते जाना है। तो ये देखिए दो फंदा हमने इस साइड छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6
सात, 21, 22, 23, 24, 25 और ये देखिए 26, 26 फंदा हमने बना लिया। दो फंदा हमने यहाँ पे छोड़ा था और दो फंदा हमने यहाँ पे भी छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे क्योंकि इसमें हमें दोनों ही साइड से फंदे छोड़ने हैं। अब देखिए, अब इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 फंदे हमने बना लिया। फिर यहाँ पे दो फंदे हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़ते हुए बनाते जाना है। देखिए, यहाँ पे दो चार फंदे हमने छोड़ दिए। अब इसी तरह से यहाँ पे भी सभी फंदों को बुन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए, दो फंदा हमने पहले छोड़ा था, दो फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया, दो फंदा, तो ये चार फंदे हो गए और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से दो फंदा इस साइड से और दो फंदा इस साइड से, दोनों साइड से दो दो फंदा हमें छोड़ते जाना है। लास्ट में यहाँ दो फंदे तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने 14 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 × 2 = 14 इधर, और 14 फंदे हमने इस साइड भी छोड़ दिए हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों साइड से हमने 7-7 बार दो दो फंदे छोड़ दिए, तो 14 इस साइड हमने छोड़ दिए, दो दो करके 14 इस साइड। अब बीच में ये दो फंदा बचा हुआ है, तो अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है, अब ध्यान देना। तो ये देखिए, अब इस ये जो 10 फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे, इनको हमें कुछ भी नहीं करना है अभी। जैसे हमने देखिए इसमें बनाया हुआ है, तो देखिए अब ये हमारी ये जो पत्ती है, ये पत्ती बन करके कंप्लीट हो गई है पूरी। ये देखिए, ये पत्ती बन गई है। अब हमें ये फ्लावर बनाना है, ये जो फूल है ऊपर का, इसको हमें बनाना है, इस डिज़ाइन को। तो अब ये हमें ग्रीन कलर से अब नहीं बनाना है, ग्रीन कलर की पट्टी को हम यहीं छोड़ देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से ये जो 14 फंदे हैं, ये और ये दो फंदे जो बीच में बचे हुए हैं, तो हम इसको 16 फंदे यहाँ पे ले लेंगे और 14 फंदे हम इधर को छोड़ देंगे। या तो आप चाहो तो यहाँ पे 16 फंदे छोड़ दो और 14 फंदे से फ्लावर बना लो, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। तो ये देखिए, हम ये 16 फंदे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 फंदे हमने इस सिलाई में उतार लिया है। ये तो 14 फंदे तो यहाँ थे ही, इधर के जो 16 फंदे हैं इनको भी हमने इसमें उतार लिया है। तो अब देखिए, यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगी, दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। ये देखिए, आप अपने पसंद से कोई भी कलर लगा सकते हो। अब ये देखिए, इसका जो किनारा है, ये देखिए, इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। ये देखिए, तो ये बिल्कुल भी इसका किनारा बाहर को नहीं निकलता है। अब ये जो 16 फंदे हैं, इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। ये हमने 16 फंदे बुन लिया, इसको टाइट कर देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये जो नीचे के 14 फंदे हैं इनको हमें नहीं बनाना है, अभी सिर्फ हम सिर्फ ये फंदे बनाएंगे जो ऊपर है, क्योंकि हमें ये फूल की डिजाइन ऊपर की बनानी है। अभी ये नीचे के फंदों को हम कुछ नहीं करेंगे, इस साइड से भी सीधे साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स। अब ये देखिए, हमें ऊपर से एक एक फंदा बढ़ाना है, यहाँ से हर बार एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। हमने 14 फंदा बना लिया, 2 फंदे यहाँ पे हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो नीचे से हमें हर बार दो दो फंदे छोड़ते जाना है और ऊपर यहाँ पे हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। हमें डिजाइन उल्टे साइड से ही बनानी है, ये जो फूल की डिजाइन है वो, और ये पत्ती में हमें दोनों साइड से ही दो दो फंदे छोड़ना है। ये जो हमने देखे, ये फंदा जो हमने बढ़ाया है, इसको भी इस तरह से उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए, अब देखिए, पहले हमने एक फंदा जैसे बढ़ाया था वैसे ही पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, हमने एक फंदा और बढ़ा लिया, देखिए, पहले हमने 2 फंदा छोड़ा था, अब इस बार 2 फंदा और छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, 2 फंदा पहले छोड़ा था, ये 2 फंदा और भी छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे हमने पहले ही बताया था, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए, जो फंदा हमने बढ़ाया है उसको भी इसी तरह से उल्टा बुन लेंगे। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, इस तरह से लपेटते हुए हमने फंदा बढ़ा लिया। तो इस तरह से 1, 2 और 3, यहाँ 3 फंदे इस तरह से बढ़ गए, एक एक करके हमने 3 बार 3 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए, बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। सिर्फ फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो हमने पत्ती बनानी है उसमें दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़ने हैं, लेकिन ये जो हमें फूल बनाना है इसमें नीचे से हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं और ऊपर से एक एक फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, 1, 2, 3, तीसरी बार भी हमने, 3 बार हो गया, तीसरी बार भी हमने 2 फंदे छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 6 फंदे छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से इसमें 16 फंदे हैं, तो दो दो करके हम सभी फंदों को छोड़ देते हैं और एक एक करके यहाँ पे फंदे बढ़ा लेते हैं। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो बार दो दो करके वो हमने ये 7 बार फंदे छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 2 फंदा और रह गया, एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से पट्टी को लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, देखिए 8 फंदा ये बढ़ गया
और हमने पहले 14 फंदे छोड़ दिए थे, 2 फंदा ये और छोड़ दिया तो ये 16 फंदे छूट गए और यहीं से अब पलट जाएंगे। अब ये हमारे पास सिर्फ 8 फंदे ये बढ़े हुए रह गए हैं, बाकी जो ये 16 फंदे थे हमने 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ दिया है। तो अब ये देखिए सिर्फ इस 8 फंदों को ही इनको हम बना लेंगे। ये देखिए अभी तक तो हमने क्या किया था फ्रेंड्स कि ये 2-2 करके हमने यहाँ से फंदे छोड़े थे और एक एक करके यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे। अब हमें एक एक करके यहाँ से फंदे घटाना है और हर बार ये 2-2 फंदे नीचे को हमें लेते जाना है। देखिए फ्रेंड्स आप इससे भी गिन सकते हो, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए 2-2 करके हमने ये 8 बार फंदे छोड़े हैं तो ये 8 लाइन बन गई और ये जो 8 फंदे हैं हमने बढ़ाए थे उसकी ये लाइन बनी है। बाकी ये 2-2 करके हमने छोड़े हैं उनकी ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लाइन बन गई, हर बार हमने 2-2 करके फंदे छोड़े हैं। अब ये देखिए अब यहाँ से हम अभी तक हमने फंदे बढ़ाए थे, अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे, थोड़ा चेंज है आप देखना फ्रेंड्स ध्यान से। अब ये देखिए 1, 2 फंदे हमने एक साथ ले लिए और इनको हम बुन देंगे, एक फंदा बचेगा, ये देखिए एक फंदा बचा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 बढ़े हुए फंदे हैं, इसमें से एक फंदा घट गया। ये जो बढ़े हुए फंदे हैं इनको हमें नहीं छोड़ना होता है फ्रेंड्स, इसमें इसमें सिर्फ जो हमने यहाँ पे फंदे लिए होते हैं, जो फंदे डाले होते हैं उन्हीं फंदों को हमें छोड़ना होता है। तो अब ये देखिए ये इसमें से एक फंदा घट गया तो 7 फंदा बचा है। अब नीचे से जैसे 2-2 फंदे छोड़े थे वैसे ले लेंगे, तो ये देखिए नीचे से हम 2 फंदे ले लेंगे, 1 और 2 और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, हमें सभी फंदों को एक साथ नहीं बुनना है, ये देखिए 2-2 करके ही लेते जाना है। सीधे साइड से फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। इसमें इसको समझने में इस वजह से और आसानी है कि इसमें हमें दोनों कलर से नहीं बनाना है, सिर्फ एक कलर से ही बनाना है, तो एक कलर से ही हमें समझना होता है। ये देखिए अब फिर जैसे हमने पहले एक फंदा यहाँ पे घटाया था वैसे एक फंदा और घटा देंगे। ये देखिए 1, 2 फंदा हमने ले लिया, ये देखिए हमने ये देखिए 1 और 2 2 फंदा लिया, दोनों को एक साथ बुन दिया, ये देखिए एक फंदा बचा, एक फंदा घट गया। अब ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 बढ़े हुए फंदे हैं और ये 2 हमने पहले बुना था, देखिए 1, 2 2 हमने पहले बुना था। अब 2 फंदा नीचे से ये 2 फंदे और ले लेंगे, तो यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दोनों को ये देखिए एक साथ बुन देंगे। अगर एक साथ नहीं बुनेंगे तो फंदा बढ़ जाएगा, ये देखिए दोनों का हमने एक कर दिया और 2 फंदा हमने नीचे से ये एक और ले लिया, तो ये 2 फंदा ले लिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से हमें ऊपर से फंदे घटाते जाना है और नीचे से 2-2 फंदे लेते जाना, ऊपर से एक एक फंदा घटाना है। तो ये जितना फंदा रहेगा, जैसे अब ये 16 फंदा था तो ये ऊपर 8 फंदा बढ़ गया, क्योंकि 2-2 करके फंदे छोड़ते हैं और एक एक करके बढ़ाते हैं, तो ये जितना फंदा रहेगा उसका आधा बढ़ जाएगा। अगर ये 20 फंदा रहता है तो यहाँ 10 फंदा बढ़ जाएगा, 16 है तो 8 बढ़ गया, और अगर इसमें 10 फंदा होता है तो 5 फंदा बढ़ेगा। तो जितना फंदा होगा उसका आधा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको समझना बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सब समझ में आ जाए। ये देखिए, फिर हमने दो का एक करते हुए यहाँ पे घटा दिया, तो ये देखिए एक फंदा हो गया, दो तीन चार पाँच, ये बढ़े हुए फंदे में बचा है। तीन फंदा हमने यहाँ घटा दिया, पाँच फंदा बचा है। अब ये देखिए, एक दो तीन चार, अब ये दो नीचे से ये दो फंदे और ले लेंगे। तो यहाँ गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ पे उठाएंगे और दोनों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, फिर आगे से एक फंदा और ले लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पांच फंदे हैं इनको भी घटा लेते हैं और दो दो करके यहाँ तक इन सभी फंदों को ले लेते हैं। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, दो दो करके हमने सभी फंदे ले लिए हैं, लास्ट में ये दो फंदा बचा हुआ है और यहाँ पे एक फंदा और अभी घटाने को रह गया है। तो ये देखिए, एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ, देखिए दो का एक करते हुए यहाँ पे हमें फंदे घटा देना है। ये देखिए, हमने एक फंदा यहाँ पे ये घटा दिया दो का एक करते हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अब ये देखिए दो फंदा और बचा है। तो यहाँ पे गैप ख़त्म करने के लिए एक फंदा हमने उठा लिया, एक साथ बुन दिया, पंद्रह और ये सोलह। तो अब ये देखिए, जितने फंदे हमने लिए थे उतने फंदे यहाँ पे हो गए। आठ फंदे हमने यहाँ बढ़ाए तो ये आठ फंदे हमने सभी घटा दिए। अब सीधे साइड से हमें कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बना हुआ है, सॉरी, सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, तो सभी फंदों को हम इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। अब यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है, तो इस फंदे को हम नहीं बनाएंगे, पट्टी को पीछे कर देंगे और इसको हमने ऐसे उतार लिया। तो अब ये देखिए, अब ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि अब हमें सभी फंदे ये जो ग्रीन कलर से ही बनाने हैं। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे लाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, इसको लूज ही रखेंगे। ये देखिए, अब इससे बुनते जाएंगे और इसको साथ में लेते जाएंगे, नहीं तो इतना गैप ये रहेगा तो ये कहीं भी ये फंस सकता है। तो इस वजह से इसको इस तरह से साथ में लेते जाएंगे। ये देखिए, एक फंदा बुन लिया, फिर दूसरे फंदे में इसको इसके साथ ले लिया पट्टी को, फिर एक फंदा बुन लिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी पट्टी पता नहीं चलेगी कि, ये देखिए अभी आप पूरा बन जाएगा तो देखना, बिल्कुल भी ये पट्टी दिखेगी नहीं कि हमने इसको यहाँ से खींच करके ऊपर लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसको साथ में लेकर के बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, एक फंदा हम बुन लेंगे, फिर दूसरे फंदे में इसको साथ में लेकर के बुन लेंगे। ये देखिए, तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ये पट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है बाहर को कि हमने इसको इतना लंबा खींच करके बनाया है। अब ये देखिए, देखिए हमने सभी फंदों को, ये जो इस कलर की पट्टी थी बने हुए थे फंदे, इनको सभी को हमने ग्रीन से हरे रंग से बना लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पे गैप है तो एक फंदा उठाएंगे और इसको इसके साथ में बुन लेंगे। ये देखिए, नहीं तो फंदा बढ़ जाएगा। अब ये देखिए, बाकी सभी फंदों को हम इस तरह से हरे कलर से बना लेंगे। अब जितने भी फंदे हैं, जितना हमने फंदे डाले हैं, अब इन सभी फंदों को हम 30 फंदे जो डाले हैं, 30 फंदे हमने हरे कलर से बना लेना है। ये देखिए, ये देखिए, एक ये फूल और एक पत्ती ये बन गई है। मैं आपको इसमें गिन करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए, एक एक लाइन आप गिन सकते हो, एक दो तीन
चार पाँच छः सात आठ, आठ देखिए इधर बना हुआ है और इधर भी देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ इस साइड लाइन बनी है और आठ इस साइड, ये जो बीच में है एक एक बार जो हम इसको बनाते हैं, जो ये फंदे बढ़े होते हैं, आठ फंदे जो बढ़े हैं उसकी एक लाइन ये बीच में बनती है, तो इस वजह से, और इसके दोनों साइड, इस साइड भी आठ आठ लाइन बनी होती है और इस साइड भी, और ये पत्ती में भी देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्योंकि दो फंदा हम इस साइड से छोड़ते हैं और दो फंदा हम इस साइड से छोड़ते हैं, तो ये 14 फंदे इधर छूटते हैं और 14 फंदे इधर छूट जाते हैं, तो इसकी ये 7 लाइन बन जाती है। तो आप इस तरह से गिन करके भी इसको देख सकते हो। अब ये देखिए, एक पत्ती और एक फूल बन गया। अब दूसरी पत्ती भी यहाँ से, अब दूसरी पत्ती बनाना शुरू करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी इस साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा हमने इस वजह से उतार लिया कि होल, इसका होल बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो इधर साइड से, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमें ये फूल बनाने के बाद दोनों साइड से ही एक एक लाइन उल्टे की बना लेनी है। इस साइड से भी हमने बना लिया था और इस साइड से बना लिया। अब हमें यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करना है ये पत्ती के। तो देखिए, पहला फंदा उतारेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से एक दो तीन, इस तरह से करते हुए सभी फंदों को हम बुन लेंगे। लास्ट में यहाँ पे दो फंदा छोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ से दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे दो फंदे छोड़ेंगे। देखिए, दो फंदे यहाँ पे भी ऐसे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से दोनों साइड से दो दो फंदा छोड़ते हुए हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 5 कली बना करके आपको बताई है। देखिए, एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह से इसमें 12 कली बनेंगे। देखिए, अब इसका क्या करना है, दो का एक करते हुए हमें फंदे बंद कर देना है। तो अब ये देखिए, जब ये पूरा हो जाएगा, 12 कली बन करके तैयार हो जाएगी, तो इसमें देखिए इस तरह से दो का एक करते हुए हमें फंदे बंद कर देना होगा। ये इस तरह से, ये देखिए, दो फंदा एक साथ लिया, बुन दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, ये देखिए, फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, ये देखिए, इसी तरह से सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे फंदे डाले हैं, जैसे ये है वैसे ही ये भी होना चाहिए। ये देखिए, फिर लास्ट में इसमें भी सिर्फ एक जगह ही सिलाई लगती है। मैंने बहुत सारे पायदान में सिलाई करके दिखाया है, तो लास्ट में एक जगह है। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तो इसमें और जो ये फंदे हम बंद करेंगे और उसको आपस में लेकर के यहाँ पे एक जगह सिर्फ सिलाई लगानी है और बाकी कहीं नहीं। देखिए, ये कितना खूबसूरत सा पायदान है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है और बनाना भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।